इस वीडियो में आप कुछ ऐसा देखने वाले हो जिसको देख के आप दंग रहने वाले हो। सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और टाटा फिर से नंबर वन बन गई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। आज हम देखेंगे टॉप 15 सेलिंग कार्स इन मंथ ऑफ मार्च 2024। नंबर 15 पे है टोयोटा की तरफ से आने वाली इनोवा, जिसकी लगभग 9,900 यूनिट सेल हुई है मंथ ऑफ मार्च में। और आपको मैं बता दूं, यदि इसमें हाई क्रॉस की मैं सेल इंक्लूड ना करूं तो लगभग 4,000 से 4,500 यूनिट सेल हुई है इनोवा की। तो दोस्तों नंबर 14 पे आती है महिंद्रा की अपनी देसी एसयूवी बुलेरो। इसकी 10,347 यूनिट इंडियन मार्केट में मार्च के महीने में सेल हुई है और इसमें महिंद्रा और महिंद्रा बुलेरो नियो की सेल्स इंक्लूड है। नंबर 13 पे आपको देखने मिलेगी मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 11,232 यूनिट सेल हुई है मार्च महीने में। नंबर 12 पे आती है मारुति की तरफ से आने वाली इको। इसकी इंडियन मार्केट में 12,019 यूनिट सेल हुई है। जब से ओमनी को डिसकंटिन्यू किया गया है तब से मारुति इको की सेल्स काफी बढ़ गई है। 11th पोजीशन पे आई है मारुति की फ्रॉक्स, जिसकी 12,531 यूनिट सेल हुई है मार्च महीने में। इस गाड़ी को इंडिया में भर भर के प्यार मिल रहा है। बेलेनर के होते हुए भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा सेल हो रही है इंडियन मार्केट में। 10th पोजीशन पे फाइनली टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सोन है। मार्च के महीने में इसकी 14,058 यूनिट सेल हुई है। फाइनली लोगों ने नेक्सोन को पसंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इसकी सेल्स में गिरावट देखी गई है। 9th पोजीशन में मारुति की ब्रेजा, जिसकी लगभग 14,914 यूनिट सेल हुई है मार्च महीने में, और इस गाड़ी की इस महीने सेल में गिरावट देखने को मिली है। 8th पोजीशन पे है मारुति की तरफ से आने वाली एटिका। इसकी 14,888 यूनिट इंडियन मार्केट में मार्च के महीने में सेल हुई है। इसमें XL6 की सेल्स इंक्लूड नहीं है। 7th पोजीशन पे है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो की मार्च महीने में 15,151 यूनिट सेल हुई है। इसके अंदर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की कंबाइंड सेल मैंने आपको बताई है। आज भी इंडियन मार्केट में आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की जो सेल है वो ज्यादा देखने को मिल रही है स्कॉर्पियो एन से। 6th पोजीशन पे फिर से हमारे पास है मारुति की तरफ से आने वाली बलिनो। इसकी 15,588 यूनिट इंडियन मार्केट में मार्च के महीने में सेल हुई है। दोस्तों ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है तब से इसकी सेल नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। 5th पोजीशन में है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 15,728 यूनिट सेल हुई है मार्च महीने में पूरे भारत में। दोस्तों इस लिस्ट में मारुति की काफी ज्यादा गाड़ियां हैं। फिर से हमारे पास 4th पोजीशन पे है मारुति की तरफ से आने वाली डिजायर। इसकी 15,894 यूनिट पूरे इंडिया में सेल हुई है मार्च के महीने में। इस गाड़ी को टैक्सी में यूज करने की वजह से भी इसकी सेल ज्यादा है। 3rd पोजीशन पे है मारुति की वेगनार, जिसकी 16,368 यूनिट सेल हुई है मार्च महीने में। ये गाड़ी हर महीने लगभग फर्स्ट पोजीशन में रहती है, बट इस महीने गाड़ी आपको 3rd पोजीशन में देखने को मिलेगी। नंबर 2 पर हमारे पास है हुंडई क्रेटा। इसकी 16,458 यूनिट सेल हुई है मार्च के महीने में इंडियन मार्केट में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहली बार है जब क्रेटा इंडियन मार्केट में टॉप सेलिंग कार की लिस्ट में सेकंड नंबर पे है, बट पिछले महीने इसकी सेल ज्यादा नहीं हुई। तो अब हम उस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो मार्च महीने में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। तो वो गाड़ी और कोई नहीं, टाटा की तरफ से आने वाली टाटा पंच है। इस गाड़ी की 17,557 यूनिट सेल हुई है मार्च महीने में, और इस गाड़ी ने अपना दबदबा टॉप पे बना रखा है। इंडिका गाड़ी के लॉन्च होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि टाटा मोटर्स की कोई गाड़ी टॉप सेलिंग कार इन ए मंथ बनी है। तो दोस्तों ये थी टॉप 15 मोस्ट सेलिंग कार इन इंडियन मार्केट इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। यदि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।